केंद्रीय लंदन में प्रेटे मेंजर के बाहर क्रूर विवाद शुरू हो गया है। बेस्वाद बेघर आदमी को इमारत में तोड़ने से रोकने की कोशिश करता है। एक आदमी को एक गुजरने वाले पैदल यात्री के साथ लड़ाई लेने से पहले कॉफी श्रृंखला की एक शाखा के बगल में एक कैफे में तोड़ने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। कल एक मंगला की लंदन शाखा के बाहर एक विशाल सड़क विवाद शुरू हुआ जब एक ग्राहक ने एक आदमी को फिल्माया जो अगले दरवाजे में कैफे में तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह घटना राजधानी के दिल में मोर्टिमर स्ट्रीट और न्यूमैन स्ट्रीट फिट्ज़रोविया के कोने पर कल दोपहर 2 बजे फिल्माई गई थी। फुटेज कैफे के दरवाजे के बाहर एक आदमी दिखाता है। वह किसी को अपने मोबाइल फोन पर फिल्माने और उसे मारने के लिए स्पॉट करता है। अपनी बाहों को लहराता है और चिल्लाता है, तुम कौन हो? शुरुआत में जिस व्यक्ति ने फिल्मांकन शुरू किया वह उस आदमी के सामने अपने हमलावर पर निकलता है जिसे बेघर माना जाता है। सड़क के बीच में पिंच की एक श्रृंखला है जो दर्शकों की दौड़ को तोड़ने की दौड़ के रूप में है। एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने पुलिस को बुलाया ने दावा किया कि उसने पीड़ित को शटर इमारत में प्रवेश करने की कोशिश की जबकि मालिक को अंदर अवरुद्ध कर दिया गया था। उन्होंने लिखा, विद्रोही वानर शुरुआत में पीले अपहरण कैफे के सामने के दरवाजे में झुका हुआ था। मालिक अंदर था, अंदरूनी घुसपैठ कर रहा था जबकि योनी ने दुकान पर हमला किया था। नजदीक एक आंख गवाह शॉर्ट पहने हुए आदमी पुलिस को बुला रहा था। योनी इस पर पकड़ा और बाईस्टैंडर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। यह बहुत चौंकाने वाला था। वीडियो में कई आंखों के गवाह हैं और कई और शायद सैकड़ों में ऑफ स्क्रीन। यह विस्फोट समाप्त हो गया जब योनी जमीन पर था और पुलिस अंततः उसे दूर ले गई। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी की गई थी। आगे की जानकारी के लिए मेट पुलिस से संपर्क किया गया है।